हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी, वेरिएशंस और म्यूटेशंस। तो आज हम लोग तीन इस्तलाहात को जानने की कोशिश करेंगे कि हेरिडिटी किसे कहते हैं, वेरिएशंस किसे कहते हैं और म्यूटेशन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हेरिडिटी के बारे में। देखिए, हमारे घर में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उस बच्चे की तरफ घर के ख़ानदान के लोगों का भीड़ लग जाता है, उसमें फिर दादी, दादा, नाना, नानी, अब सब जो है ये बोना शुरू करते हैं कि ये बच्चा जो है बाप पर गया है। कोई कहता है नहीं, इसकी सूरत माँ से मिलती है। कोई कहता है कि बच्चे की आंख जो है बाप से मिलता है, ऊँठ जो है माँ से मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर में जो है वालदेन की मुशाबहत जो है नज़र आता है, बच्चे के अंदर में वालदेन की मुशाबहत नज़र आता है। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो वालदेन से बच्चे के अंदर में क्या होता है, मुंतकिल हो जाता है। अब ये जो ट्रेट्स या जो करैक्टर्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, तो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया है हेरिडिटरी करैक्टर्स और ट्रेट्स, माने वो खसूसियात या वो औसाफ जो माँ बाप और जो बच्चा होता है उसके अंदर मुश्तरका होता है, मतलब कॉमन है। जैसे औसाफ माँ वालदेन में होता है, वही औसाफ जो है बच्चे के अंदर में भी देखने को मिलता है। मसलन कलर ऑफ द आइज, वालदेन का अगर आँख का कलर अगर ब्राउन है या ब्लैक है तो बच्चे में भी जो है आँख का कलर जो है ब्लैक या ब्राउन दिखाई देता है। उसी तरह से हेयर शेप, अगर वालदेन के बाल अगर सीधा है तो बच्चे में भी बाल सीधा होता है, या अगर किसी का बाल कर्ली है, घुंघरेला टाइप का है तो बच्चे का भी बाल भी घुंघरेला होता है। इसी तरह से आईब्रोज, ये आँख के ऊपर जो ये जो आईब्रोज है, ठीक है, ये अगर खूब बुशी है, यहाँ पर ज़्यादा बाल है या कम बाल है, थिन या बुशी, तो उसी तरह के औसाफ बच्चों में भी नज़र आता है। टंग रोलिंग, टंग रोलिंग क्या होता है कि हम लोग ये जो हम लोग ज़ुबान है, इस ज़ुबान को इस तरह से हम गोल कर सकते हैं, ठीक है, यू शेप में इस को हम कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे भी होते हैं कि जो कि टंग को यू शेप नहीं बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टंग रोलिंग। अगर हम अपनी ज़ुबान को तो इस तरह से यू शेप में इसको हम माने शक्ल दे सकते हैं तो इसको कहा जाता है टंग रोलिंग। और अगर कोई इस तरह से अपने ज़ुबान को यू शेप नहीं दे सकता है तो हम ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर में ये टंग रोलिंग नहीं होता है। तो बहुत से बच्चों के अंदर में टंग रोलिंग होता है, तो वालदेन के अंदर वालदेन अगर टंग को रोल कर सकते हैं तो बच्चा भी टंग को रोल कर सकता है। इसी तरह से अगर बच्चा दायां हाथ है कि दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करता है या बाएं ज़्यादा हाथ इस्तेमाल करता है, उसी तरह से लिप्स के बच्चे का ओट कैसा है, मोटा है या पतला है, गर्ज के इतने सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वालदेन में होते हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका बच्चे के अंदर में भी मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यही जो वालदेन के औसाफ है, हम ये दरख्तों में भी देखते हैं कि अगर आम का पेड़ है तो उससे जो उसके बीज से जो भी जो पेड़ निकलता है वो आम का ही दरख्त होता है, और पूरा आम के दरख्त के ही जो है तरह वो भी दिखाई देता है। अमरूद का गांच है तो उसके बीज से जो गांच फिर जो है नशनुमा या फिर बड़ा होता है तो फिर अमरूद की तरह ही उसका गांच दिखाई देता है। यही चीज़ जो है जानवर में भी हम देखने को मिलते हैं कि शेर का बच्चा शेर की तरह दिखाई देता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखाई देता है, चूहा चूहा की तरह दिखाई देता है। गर्ज के जो औलाद होते हैं वो औलाद वालदेन के कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो मुशाबहत रखते हैं, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसमिशन माने वालदेन से वालदेन के औसाफ का, वालदेन के औसाफ का बच्चों के अंदर में जो मुंतकिल होता है, तो इस अमल को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, जो भी कह लीजिए,
कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है मुंतकिल होते हैं, यहाँ पर हमने लिस्ट बना दिया है। आँख का कलर, बाल का शेप, आईब्रोज, टंग रोलिंग, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, ओंठ कैसा है, नाक कैसा है, ठीक है, स्किन का कलर कैसा है। वाल्डन अगर जो है गोरा नारा है तो उसके बच्चे भी गोरे नारे होते हैं, वाल्डन अगर सांवला रंग का है तो बच्चे भी तो सांवला रंग के होते हैं। तो ये जो औसाफ, वाल्डन के जो औसाफ होते हैं, इन्हीं औसाफ का बच्चों में जो मुंतकिल होता है, इसी अमल को जो है हम हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब ये औसाफ कहाँ पाए जाते हैं? ये औसाफ जो है हमारे जीन्स में मौजूद होते हैं। जीन्स कहाँ होते हैं? मैंने आपके क्रोमोसोम्स के अंदर में, इसको हम जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए बाद में पढ़ाएंगे। तो ये जो औसाफ जो है जीन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, और फिर वही जीन्स जो है हमारे वालदेन से जो है फिर जो है ये बच्चों के अंदर में मुंतकिल हो जाता है। मैंने होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जो स्पर्म है, स्पर्म और इधर आपका ओवम, ठीक है, स्पर्म और ओवम, ठीक है, तो स्पर्म जो है ये आपका, इसके अंदर में जो है वालदेन के औसाफ मौजूद होते हैं, ओवम के अंदर, सॉरी, स्पर्म के अंदर में जो है बाप के औसाफ मौजूद होते हैं, ओवम के अंदर में जो है माँ के औसाफ मौजूद होते हैं। अब इनका जब रिप्रोडक्शन होता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, फिर यही डेवलप होकर एम्ब्रियो, फिर उससे जो है बच्चे की पैदाइश होती है। तो बाप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्पर्म में जो मौजूद जो जीन्स है, या माँ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ओवम में मौजूद जो जीन्स है उसके अंदर में जो मौजूद, वो वही जो है यहाँ से मुंतकिल होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो है वो बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। यानी जिन्सी तौलीदी अमल के जरिए जो है वालदेन के औसाफ जो है बच्चों के अंदर में मुंतकिल हो जाते हैं। इसी मुंतकिल के अमल को जो है हम जो है क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन तब क्या हुआ कि वो अमल जिसके तहत वालदेन के औसाफ, वालदेन के औसाफ माने माँ बाप दोनों के औसाफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ जो हमने लिस्ट बना दे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तौलीद के जरिए, माने जिन्सी तौलीदी अमल के जरिए उनके बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं, तो इसे विरासत या हेरिडिटी कहा जाता है। तो ये हुआ हेरिडिटी। अच्छा, तो हमने हेरिडिटी के जरिए क्या होता है? हेरिडिटी के जरिए वालदेन के औसाफ जो है बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं, बच्चा जो है अपने माँ बाप की तरह जो है दिखाई देने लगता है। लेकिन कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप का एग्जैक्ट या आप कहिए कि ट्रू कॉपी नहीं होता है, एकदम 100% या 100% जो है वालदेन के मुशाबिहत जो है बच्चों में मुंतकिल नहीं होता है। बच्चा एक बच्चे को अगर आप देखिएगा किसी भी उसके माँ बाप के साथ मुशाबिहत रखेगा, लेकिन फिर भी जो है वो जो है बच्चा जो है अपने माँ से जो है कुछ अलग नजर आता है, बेटा बेटा बाप से अलग नजर आता है, मुशाबिहत रखने के बावजूद भी जो अलग नजर आता है, मैंने उसके अंदर मुख्तलिफ नजर आता है, तो डिफरेंट नजर आता है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंसेस है, माने जानदारों के अंदर ये डिफरेंसेस है जो कि वालदेन से मुख्तलिफ होते हैं, इसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। माने मुशाबिहत के बावजूद जानदारों में जो हम गैर मुशाबिहत जो नज़र हमें आता है उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो वेरिएशंस क्या हुआ? वेरिएशंस हुआ कि जानदारों के औसाफ जब उनके वालदेन से मुशाबिहत नहीं रखते हैं तो उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन क्या हुआ? वो इख्तलाफ, माने मुशाबिहत को छोड़कर जो माने जो जो चीज़ वालदेन से मुशाबिहत रखता है, जो फीचर्स मौजूद है उसको बात देने के बाद जो हमको इख्तलाफ नज़र आता है चेहरे की बनावट में, ठीक है, या उसके माने और भी दीगर माने चीज़ों में जो हम जो डिफरेंसेस नज़र आता है उन्हें औसाफ, उसी को जो वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस जो है माने दो भाई बहनों, बहन बहन के दरमियान इख्तलाफ देखने को मिलता है, भाई बहन के दरमियान में इख्तलाफ देखने को मिलता है, भाइयों के दरमियान में इख्तलाफ देखने को मिलता है। ऐसा भी होता है कि एक भाई खूब ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई खूब किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है, किसी की मेमोरी बहुत कमजोर है, ठीक है, किसी का जौक शौक कुछ अलग है, एक भाई का या एक बच्चे का जौक शौक कुछ अलग है, ख्वाहिशात अलग है, डिजायर्स अलग है, ठीक है,
सोचने का मैंने अंदाज अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस है, इसी डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। और जो मुशाबियत होता है उसे हम उस अमल को हम जो है क्या कहते हैं, जो वर्गन से मुंतकिल उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि म्यूटेशन किसे कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। आप इस लफ्ज़ से वाकिफ होंगे, आमतौर पर जब हम लोग ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त के बाद जब ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है, तो फिर ज़मीन को म्यूटेशन कराने के लिए म्यूनिसपैलिटी में दरख्वास्त देने होता है। इसका मतलब ये होता है कि म्यूनिसपैलिटी में पहले ज़मीन जिसके नाम पर होता है, अब हम जब दरख्वास्त देते हैं तो उस पहले जो नाम था ज़मीन पर, ज़मीन का जिसका नाम था उसका नाम हट जाता है और जो खरीदार है उसका नाम उस ज़मीन पर चढ़ जाता है। यानी चेंज इन नेम, ज़मीन की खरीद फरोख्त में जो म्यूटेशन होता है उसमें कहते हैं चेंज इन नेम, ठीक है। तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। यहाँ पर क्या तब्दीली है, देखिए म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, ये तब्दीली सडन होती है, अचानक, आमतौर पर नहीं होती, लेकिन जब होती है तो ये अचानक होती है। म्यूटेशन इज ए सडन चेंज। अब ये चेंज कहाँ होता है, इन वन और मोर जीन्स। हम जानते हैं कि क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, उस जीन्स बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो किसी एक जीन में भी तब्दीली हो सकती है या एक से ज्यादा जीन में भी तब्दीली हो सकती है, ठीक है। तो तब्दीली किस में हुई, जीन में, एक जीन या एक से ज्यादा जीन में, या इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स की जो तादाद है उसके अंदर भी जो है तब्दीली हो सकती है। हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी में क्रोमोजोम्स की तादाद 46 होती है, तो इस नंबर में भी जो तब्दीली हो सकती है, चेंज हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स की जो बनावट है उसके बनावट में भी चेंज होने से जो है म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन दरअसल क्या हुआ, म्यूटेशन जो है एक तरह का तब्दीली है जो अचानक होती है, अब एक बार तब्दीली जो हो गई वो मुस्तकिल हो जाती है, ठीक है। तो तब्दीली है किसके अंदर में, जीन के अंदर में, एक जीन या एक से ज्यादा जीन के अंदर में तब्दीली हो सकती है, या क्रोमोजोम्स की तादाद में तब्दीली हो सकती है, या क्रोमोजोम्स की बनावट में तब्दीली हो सकती है, इसके बायस जो है म्यूटेशन होता है, ठीक है। अब जब म्यूटेशन जब जीन में या क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में जब सडन जो चेंज हो जाता है, तो उसका क्या नतीजा होता है, उसका नतीजा ये होता है कि कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स में भी जो है तब्दीली आ जाती है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स में तब्दीली आ जाती है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल्स में आपका देख लीजिए, ये जो देखिएगा कि बहुतों का ये जो कान का ये जो ईयर लोब है वो इसके साथ टच रहता है, ठीक है, आमतौर पर टच रहता है, और बहुतों का देखिए इसे टच नहीं रहता, अलग रहता है। यानी ये जो ईयर लोब है, ईयर लोब किसी किसी में या तो ये फ्री होता है, फ्री, या किसी किसी में क्या होता है, ये अटैच्ड रहता है, ठीक है। आप अपना कान का ये जो है छू कर देखिए कि अटैच्ड है या फ्री है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो ईयर लोब बाज लोगों के अंदर में ये फ्री होता है, बाज लोगों में ये अटैच्ड रहता है। उसी तरह से है टंग रोलिंग का मामला, टंग रोलिंग, ठीक है, टंग रोलिंग, बाज लोग अपनी जुबान को जो है यू शेप में जो है तब्दील करके तो उसी तरह से गोल कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रोलर टंग। और जो लोग अपनी जुबान को इस तरह से यू शेप में तब्दील नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल टंग, ठीक है। तो ये म्यूटेशन की मिसाल है। अच्छा, म्यूटेशन लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो आमतौर पर जो है इसका बैड इफेक्ट्स होता है, ठीक है। जैसे इसके वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं सिकिल सेल अनीमिया। जीन में तब्दीली हो जाने से, जीन में तब्दीली हो जाने से ये एक बीमारी होती है जिसे सिकिल सेल अनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो आरबीसी है, ठीक है,
रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में जो हम लोग का जो सेल्स पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, आमतौर पर राउंड शेप्ड होता है, गोल आकार का होता है, गोल शक्ल की होता है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, वो सिकल की तरह हो जाता है, या जो नया जो चांद होता है, जो पहली तारीख को जो चांद नजर आता है उसके जैसा पतला इस तरह का हो जाता है, ठीक है, इस तरह का हो जाता है। तो इस शेप में जो है आरबीसी हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम देखिए आरबीसी आमतौर पर जो है रेड ब्लड सेल्स की जो हयात जो होते हैं 120 डेज होता है, ये हम जानते हैं 120 डेज। लेकिन सिकल शेप्ड जो आरबीसी होता है इसकी लॉन्जिटिविटी 10 या 20 डेज होती है, ठीक है। अब देखिए आरबीसी 100 आमतौर पर नॉर्मली 120 डेज होता है, ये 10 से 20 दिन तक जिंदा रहता है, 10 से 20 दिन के जिंदा रहने के बाद क्या होता है, ये डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो होता क्या है इसके वजह से कि इस तरह का जो सिकल शेप जो ये पैदा हो जाते हैं आरबीसी, ये तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में इसकी मौजूदगी से क्या होता है, ब्लड का फ्लो या तो स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है, या ब्लड के फ्लो को ये ब्लॉक करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे जो सेल्स हैं वहां पर जो है ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होता है, बंद हो जाता है। हम जानते हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, सेल तक पहुंचाती है। तो ये सिकल शेप्ड जो आरबीसी है इसके मौजूदगी से, माने ब्लड वेसल में इसकी मौजूदगी से ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है या इसको ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है खून की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और उससे जो सेल में जो है ये ब्लड जो है ऑक्सीजन जो ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है इंसान अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, या हमारे हाथ पांव क्या होते हैं फूल जाते हैं, और जो है जिस्म के मुख्तलिफ एजा में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ठीक नहीं पहुंचने की वजह से क्या होता है जगह जगह पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है सिकल सेल मानी जो आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसका शक्ल जो सिकल की तरह माने इस तरह से हंसुआ की तरह जो है, हम जानते हैं इसको हंसुआ कहते हैं, इस हंसुआ कहते हैं, ठीक है, सिकल कहते हैं, तो इस शक्ल का हो जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन की वजह से होता है। अच्छा, ये नेचुरली तौर पर भी हो सकता है, खुद बखुद भी हो सकता है, या आर्टिफिशियली तौर पर भी जो है म्यूटेशन हो सकता है, मतलब जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, यूरेनियम थोरियम रेडियम, इसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो रेडिएशन निकलता है, अगर इसका रेडिएशन अगर सेल के अंदर पहुंच जाए तो उसके अंदर मौजूद जीन को क्या करता है तब्दील कर सकता है, जिसके वजह से जो है कुछ भी जो है माने नया कैरेक्टर जो है उस इंडिविजुअल में या जानदार में जो है उभर कर सामने आ जाएगा। आप जानते हैं कि जब हिरोशिमा में और नागासाकी में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब अमेरिका जो एटम बम वहाँ जो इन दो शहरों पर गिराया था, तो उसकी वजह से जो श्वाएं निकली थी, जो रेडिएशन निकला था, उस रेडिएशन की वजह से वहाँ के लोगों के अंदर जो है जीन के अंदर में तब्दीली हो गई, जिससे वहाँ के लोग आज भी जो है माने बेढंग बेशकल के वहाँ लोग जो है पैदा होते हैं। इसका असर वहाँ के सिर्फ इंसानों पर भी नहीं जो है पेड़ पौधों पर भी असर हुआ था। तो ये है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में क्या होता है, जीन के अंदर में तब्दीली हो जाए, या क्रोमोजोम की तादाद में तब्दीली हो जाए, या क्रोमोजोम की साखत में तब्दीली हो जाए, इसी तब्दीली का नाम जो है म्यूटेशन है। और म्यूटेशन के इफेक्ट्स आमतौर पर जो है मनफी होता है, जिसका मिसाल सिकल सेल एनीमिया है, और इसका जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो दो एटम बम अमेरिका ने बरसाया था, इसका भी जो इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स वहां भी हमको जो है देखने को मिला था। तो आज के सबक में हमने पढ़ा कि जो है हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, और म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि जीन में तब्दीली होती है, इससे नए कैरेक्टर्स जो उभर कर आते हैं, तो इसके वजह से भी वेरिएशंस जो है होता है। तो वेरिएशंस की एक वजह क्या है, म्यूटेशन भी है। तो ये था आज का सबक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।